हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स मेरी सब यूट्यूब फैमिली आप सबको बहुत ज़्यादा वेलकम बैक मेरी कोई वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपने अपने बेस्ट में होंगे एंड आपका जो न्यू ईयर है वो भी बहुत अच्छा जा रहा है। वैसे तो अभी कुछ थोड़े से ही दिन हुए। सो फ्रेंड्स, मैंने एक बैक डेज में अपना यूट्यूब पर वीडियो डाला था, दैट वॉज अबाउट कि आपको रिश्ता कब देखना चाहिए, रिश्ता कब करना चाहिए फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स। एंड उस वीडियो से मुझे किसी ने बहुत अच्छा सजेस्ट किया कि सिंस वेडिंग सीजन है और सिंस ये अभी दिसंबर जनवरी फरवरी का टाइम है, तो आप शादियों के बारे में थोड़ी सी हमें एडवाइस दें, शादियों के बारे में थोड़ी सी बात करें। तो वैसे तो शादी एक हमारी सोसाइटी में एक ऐसा इशू है, एक ऐसा मसला है जिससे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स को भी जनरेशन मिलती है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और इख्तलाफात को भी जनरेशन मिलती है, बहुत सारी शैतानियाँ भी जो है ना वो हमारी शादियों से होती हैं। तो बेसिकली मैं आपको कुछ भी कहने से पहले एक अपनी छोटी सी राय, एक अपना छोटा सा मशवरा देना चाहूँगा अगर आप लोग उस पर अमल करें तो, कि शादी देखें जस्ट 3 दिन का खेल होता है, बारात मेहंदी और वलीमा। लाइक हमारी सोसाइटी में ट्रेडिशनली 3 डेज का फंक्शन होता है एंड इन 3 दिनों में हम आंखें बंद करके इतना ज़्यादा खर्च करते हैं, इतना ज़्यादा पैसा लगा देते हैं कि उसका कोई फ़ायदा कोई बेनिफिट भी हमें इन लॉन्ग टर्म मिलता नहीं। लाइक जस्ट फॉर द डिस्प्ले ऑफ ऑडियंस हम एक कम्प्लेक्स में बिकॉज ऑफ इट्स वी कंसिडर्ड अ कंपटीशन, हम इस पर इतना ज़्यादा पैसा थोप देते हैं। अगर हम लोग यही फंक्शंस, लाइक ये बात दुरुस्त है कि हर माँ बाप का ये ख्वाब होता है कि उनकी बच्चों की शादी बहुत धूमधाम से हो, लड़का लड़की का ये ख्वाब होता है कि जिस दिन उनकी शादी हो उस दिन बहुत बैंड बाजा हो एंड यू नो वो सबसे अच्छे कपड़े पहने हैं, वो सबसे दुनिया की सबसे अच्छी दुल्हन और दूल्हा बने। बट स्टिल अगर आप 7 लाख का 8 लाख का जोड़ा नहीं पहनेंगे तो तब भी रुखसती भी हो जाएगी एंड आपके बेटे को तरीमत भी मिल जाएगी और यू नो सारा फंक्शन भी हो जाएगा। सेम गोज विद खाना, खाना इतना ज़्यादा बनवा देते हैं, इतने ज़्यादा आइटम्स होते हैं, मेरे ख्याल से अगर 2-3 आइटम्स होंगे तो तब भी आपके निकाह में ना कोई फ़र्क आएगा ना कोई हर्ज आएगा, उल्टा अगर 2-3 आइटम्स होंगे तो लोग उनको आराम से खाएंगे भी, उसके टेस्ट को इन्जॉय भी करेंगे और पेट भर के ना अपने घर दफा होंगे। क्योंकि जब हम लोग ज़्यादा बूफे और यू नो इतना कुछ लगा देते हैं तो उसको ना तो कोई आराम से खा सकता है, सब थोड़ा थोड़ा ही उसको टेस्ट करते हैं एंड जो डमी है हमारा वो फुल हो जाता है। एंड उसके अलावा बातें अलग से, जितने भी लोग हैं वो घर जाके ऑब्वियसली बातें ही करते हैं बिकॉज लोगों का काम है बातें करना। तो लिहाजा इस रेस को, इस कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, प्लीज़ शादियाँ सिंपल करें, सिंपल तरीके से करें, खुदा का वास्ता है, और बहुत पैसे जो है ना वो अन्य वाना वेस्ट करें। एंड यहाँ पे फिर बात कार्ड्स की भी आ जाती है, जो हम कार्ड इतना छपवाते हैं उस पर हमारा टाइम तो वेस्ट होता ही है, एनर्जी तो वेस्ट होती है, कार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में भी एनर्जी वेस्ट होती है, लेकिन उसमें भी पैसा वेस्ट होता है। और पैसे के साथ साथ हमारी जो इन्वायरमेंटल टच अगर लिया जाए तो हमारा जो पेपर है और ट्री वो भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द कार्ड्स। और कार्ड्स का आखिरी डेस्टिनेशन क्या होती है? डस्टबिन। एट द एंड ऑफ द डे हम लोग कार्ड को डस्टबिन में फेंकते हैं बिकॉज उसको अपने पास रख भी नहीं सकते कि हमारे पास नदी जमा हो जाती है, हम क्या करेंगे कार्ड्स का। तो देखें ये डिजिटल ज़माना है और इसमें बेहतरीन तरीका ये है कि आप सबको व्हाट्सएप करें एंड बात खत्म। मैं अपनी शादी में आई एम थिंकिंग कि आई विल ईमेल टू एवरीवन कि ये वेन्यू है, ये टाइमिंग्स हैं, तो पल्ला कीजिएगा आ जाएगा। क्योंकि कार्डों से भी फिर बहुत सारा फसाद होता है, लोग कहते हैं कि फलां के घर खुद गए हैं कार्ड देने और हमारे घर किसी और को भेज दिया है, हमने फोन पे इनवाइट किया है, ये हुआ है वो हुआ है। तो इसमें भी मैं ये आपका मिसकंसेप्शन दूर करना चाहता हूँ कि देखें जो लोग आपके घर में कार्ड किसी और के थ्रू भिजवाते हैं ना, वो फैमिली असल में आपको ट्रस्ट कर रही होती है कि इनसे हमारी सलाम दो अच्छी है एंड दे विल अंडरस्टैंड अस कि हमारे ऊपर कितना प्रेशर है एंड हम इनके इनके घर ना भी आएंगे तो काम चल जाएगा। लेकिन आजकल काम नहीं चलता अनफॉर्चुनेटली एंड लोग जो है वो खामखा बस किसी बात को पकड़ने की तलाश में होते हैं कि हमें ये बात मिली और हमने इशू रेज कर दिया। तो लिहाजा शादियां जो है वो सिंपल करें और कम लोगों को बुलाएं, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होंगे, जितने ज़्यादा गेस्ट होंगे, उतना ज़्यादा फसाद होगा, उतनी ज़्यादा शैतानी होगी। अब गेस्ट में भी हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज के गेस्ट होते हैं एंड सबसे ख़तरनाक वाले गेस्ट होते हैं आपके रिलेटिव वाले गेस्ट, और रिलेटिव गेस्ट्स में भी आगे फिर फर्दर कैटेगरीज आ जाती हैं। कुछ गेस्ट रिलेटिव्स ऐसे होते हैं जो आपके हमदर्द होते हैं, जो आपके साथ एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं। फिर आधे ऐसे होते हैं रिलेटिव्स जो कि बैठे होते हैं मुंह बना के एंड उनको कलमात पढ़ रहे होते हैं नफरत से हसद से कि ये खुशियाँ क्यों मिली हैं, जल रहे होते हैं। एंड कुछ इस तरह के रिलेटिव्स आए होते हैं जो शादी में आते हैं लड़ाई लगाने, तमाशा लगाने। एंड लड़ाई होती किस किन बेसिस पे है? लेडीज़ वाली साइड में ही होती है डेफिनेटली। एंड रीजंस क्या होते हैं कि हमें स्टेज पे बुला के फोटो नहीं खिंचवाया, हमारे बच्चों को स्टेज पे नहीं बुलाया, हमें रस्मों के टाइम नहीं बुलाया, हमें थाली नहीं दी, हमें ये नहीं किया वो हुआ, हमें कुर्सी नहीं निकाल के दी। यार देखें जिसकी शादी होती है ना जो होस्ट होते हैं वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रेशर में होते हैं,
क्योंकि जो गेस्ट है ना उसने तो बैठ के सिर्फ तमाशा देखना है एंड तमाशा करना है, बट जो होस्ट है उसने वो सारा निज़ाम जो है ना वो मैनेज करना होता है इन अ शॉर्ट टाइम विद इन अ प्रेशर बिकॉज दे आर हाईलाइटेड. तो जो गेस्ट है वो प्लीज़ अपने हाथों का इस्तेमाल करें एंड अपने लिए कुर्सी खुद निकाल लें. और एक और बहुत बड़ा मसला फसाद का जो होता है गेस्ट को, वो होता है दूसरे गेस्ट के साथ इशू कि इसको बुला लिया है हमें क्यों बुलाया, फिर हमें तो ये नहीं पसंद और ये आया तो हम जा रहे हैं वापस, वी डोंट वांट टू सी हिम, वी डोंट वांट टू टॉक टू हिम. देखें जो बंदा मिडिल वाला है जिसने दोनों पार्टीज को इनवाइट किया है उसके लिए तो दोनों इक्वल है ना यार, उस बेचारे का क्या कसूर है. तो अगर आपको किसी और मेहमान के साथ मसला तकलीफ है उनके करीब ना बैठे, उनसे बात ना करें, उनको ना मिले, दैट्स इट. एंड प्लीज जितने भी गेस्ट हैं वो मुंह मत बना के बैठे शादी में. अगर आप शादी में आके किसी के साथ कोऑपरेट नहीं करवा सकते, अगर आप तहमन नहीं करवा सकते ना, कोई मसला नहीं, डोंट कम बट डू नॉट स्पॉइल देयर डे. आपको कोई हक नहीं है कि आप इसका खूबसूरत दिन जो है वो बर्बाद करें. एंड शादी में आपको जैसा भी इन्वायरमेंट मिले भाइयों बहनों, प्लीज़ उसके साथ अपने आप को एडजस्ट करें. बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो शादी में आते हैं उनको खाने से तकलीफ है, उनको इन्वायरमेंट से तकलीफ है, हीटर हमारी तरफ नहीं है, पंखा हमारी तरफ नहीं है, ये हो गया वो हो गया, हमें सबसे पीछे सीट मिली है उसको सबसे आगे मिल गई है. ये देखें ये जो मसले हैं ना इनको प्लीज़ घर में छोड़ दें, इनको अपने जहन से निकाल दें. जो इंसान फंक्शन करवा रहा होता है ना उसने अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो उस पैसे जमा कर करके इस दिन के लिए बचा के रखे होते हैं कि मैं इस दिन अपना इवेंट करूँगा. तो जब आप एक अपनी बेहुदा बात कर देते हैं कि फंक्शन नहीं अच्छा या दुल्हन ने अच्छे कपड़े नहीं पहने, ये है वो है, जब आप गिले शिकवे देने लग जाते हैं ना तो उस बंदे की सारी मेहनत पर आप पानी फेर देते हैं. और शादियों के केस में सारी गलती गेस्ट की नहीं होती, मैंने बहुत सारी शादियाँ देखी हैं, मैंने खुद ये मेरा दैट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैंने विजिट देखा है, बेसिकली विटनेस किया है कि बहुत सारे जो होस्ट हैं वो भी अपना पार्ट एज अ होस्ट प्ले नहीं कर रहे होते. मतलब बहुत सारी शादियाँ जिनमें होस्ट जो है उनको भी खाना सबसे पहले चाहिए एंड वो भी इतने अनएक्टिव हैं. तो अगर आप लोगों को डील नहीं कर सकते, अगर आप लोगों को इंटरटेन नहीं कर सकते तो लिहाजा फंक्शन जो है वो फिर अपने घर करें. लोगों के पास आजकल इतना टाइम नहीं है भाई, ये बहुत बिजी टाइम अब आ चुका है एंड लोग बहुत मुश्किल से वक्त निकाल के आपके पास आ रहे हैं. एंड एक और चीज़ कि अगर आप लोग शादियों में बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि खाना ठंडा होता है, खाना लेट मिलता है, टाइम ऊपर हो जाता है या और बहुत सारे मसले होते हैं, वेटर्स नहीं अच्छे होते या समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें टॉयलेट्स नहीं क्लीन मिल रहे होते या बहुत सारे रीजन होते हैं, तो उसमें देखें जिस पार्टी की शादी है उसका कोई भी फॉल्ट नहीं है, उन्होंने तो अपने पैसे पूरे दिए हैं, इसमें फॉल्ट मैनेजमेंट का है. तो अगर आप लोगों ने किसी को क्रिटिसाइज करना है या शोर करना है, कंप्लेन करनी है, तो मैनेजमेंट शादी हॉल या होटल जो व्हाट्सएवर है उसको कंप्लेन करें. और आखिर में वीडियो को एंड करते हुए एक और नुक्ता जो है पॉइंट वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो अभी रिसेंटली मैंने विटनेस किया है कि शादियों में लेडीज़ को एक इशू होता है, वो ये होता है कि दे आर डांसिंग बट दे वॉन्ट ऑडियंस नॉट टू मेक द मूवी. तो देखें ये भी नहीं हो सकता काम. ओके, आजकल जो वीडियोस हैं वो तो लीक वैसे भी होती हैं, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल किसी को भी रोक नहीं सकते इस काम से, तो खुद बोल बोल के अपना इंप्रेशन बुरा मत करें. सेकंड थिंग इज अगर आपको इतना ही कैमरा फोबिया है या अगर आपको इतनी ही लीक होने से डर लगता है तो काइंडली आप ये जो डांस है वो मत करें, या अगर डांस करना है तो फिर घर जाके करें. अगर आपने विद इन द फंक्शन विद इन द ऑडियंस डांस करना है तो फिर फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट लोग जो है वो वीडियो अगर बनाना चाहते हैं तो प्लीज लेट देम मेक वन. एंड सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर माय टुडेज वीडियो. मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा. ये छोटी छोटी बातें थी, पॉइंट्स थे जो मैंने आपके माइंड में हाईलाइट करवा दिया. बाकी हम सब आप सब खुद समझदार हैं तो बंदे को खुद पता होना चाहिए कि हमने कैसे फ्लेक्सिबल रहना है, कैसे खुद को एडजस्ट करना है एंड कंप्लेंस नहीं करनी. और यहाँ पे बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच टू गवर्नमेंट, थैंक यू सो मच टू कोरोना वायरस के जिसने सारे मैरिज हॉल्स को बंद करवा दिया, चीज़ें बंद कर दी, शादियों में ज़्यादा लोगों को आने से मना करवा दिया. तो इसका बहुत सारे लोगों ने फ़ायदा उठाया, एडवांटेज लिया है, और वो ये कि लोगों ने अब शादियां की हैं सिंपल वेज में विद एन एक्सक्यूज कि कोरोना वायरस हम ज़्यादा लोगों को नहीं बुला रहे हैं, तो उन बेचारों ने इसमें अपना दाव लगा लिया. एंड सो फ्रेंड्स आप सबने रखना अपना बहुत सारा ख्याल, रिव्यूज फॉर यू का आपने प्रॉमिस नहीं तोड़ना, कीप शेयरिंग स्प्रेडिंग माय इंटरेस्ट, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, बाकी लोगों का ख्याल रखिए, फॉर श्योर नहीं लाइक आई रिमेंबर. एंड सो मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलने तक मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को हिट कर दे, रेट कमेंट वीडियो को कर दीजिएगा, और कमेंट्स में आप अपनी राय भी बता सकते हैं कि शादी में आपने क्या क्या विटनेस किया है या आपकी क्या राय है कि शादियों में और क्या ऐसा होना चाहिए गेस्ट की साइड गेस्ट के पर्सपेक्टिव से या होस्ट के पर्सपेक्टिव से. और अगर मेरी कोई बात बुरी लगी है तो उसको भी जरूर हाईलाइट कीजिएगा. सो फ्रेंड्स मैं मिलता हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, एंड इंस्टाग्राम पे यू कैन सजेस्ट मी एनी टॉपिक यू वांट मी टू टॉक ऑन. एंड सो मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता है, उम्मीद है उसे बहुत ही ज्यादा. I love this.